की फोन आ गया है, जैसे कि अंडर टिन की में स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 90Hz फुल HD प्लस डिस्प्ले है और एक बढ़िया डिजाइन के साथ ग्लास बैक है। ऊपर से 5G भी है, वो भी अंडर 10,000 रुपीज में। फोन का नाम है पोको M6 Pro 5G। ओ, यहाँ मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता, जो पोको के M सीरीज स्मार्टफोन होते हैं ये जनरली स्टाइल और दूसरा परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। ये तो चीजें हैं इस फोन में, लेकिन इस पर पोको ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड की हैं। देखने में तो फोन एक कंप्लीट पैकेज लग रहा है, लेकिन आप तो मेरा नीचे जानते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर ही विश्वास करो। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। वो हो वैसे ये ऑलरेडी खुला पड़ा है, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। डिजाइन देखने में सेम पोको के एम सीरीज जैसे लग रहा है भाई। हमारा ओ यंत्र से जरूरी चीज है, ये क्विक स्टार्ट गाइड है। ऐसे ये कोई काम नहीं आता। आइडिया, फटाके बनाते हैं जो स्कूल में बनाया करते थे। ओ, बन गया। भाई क्या बात है, स्कूल टाइम पे ये बहुत किया करते थे। ओके, ये एक ट्रांसपेरेंट केस दे रखा है, बड़ी अच्छी लगी यार। बाकी ये बॉक्स में चार्जर है और ये टाइप सी केबल है। तो ये है पोको M6 Pro। बैक से कुछ ऐसा लुक है इसका और फ्रंट से ऐसा। जो डिजाइन है इसका काफी सिमिलर सा डिजाइन है। ओके, बैक साइड ग्लास है। ड्रॉप टेस्ट तो बनता है यार। 2 3 गो। ओह, कुछ नहीं हुआ। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसका जो बैक है ये प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन के साथ आता है और जनरली इस प्राइस पर आपको नहीं मिलता। ग्लास बैक होने की वजह से वो आपको एक जो प्रीमियम टच है, फील है, वो आपको इस फोन में होगा। 8.17 mm इसकी थिकनेस है, तो ये जो फोन आपको ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं लगेगा। एक चीज, जब आप फोन को हाथ पे लोगे ये फोन आपको देखने में और हाथ में बहुत लंबा लगेगा। एक बार इसका वेट भी कर लिया जाए। ओके, 199 ग्राम है, तो वेट इसका ठीक है। ऐसा लगेगा भाई फोन भारी है, पर जब इसको हाथ पे पकड़ते हो इतना ज्यादा हैवी फील नहीं होता। फ्रंट में एक बिग डॉट डिस्प्ले है, ये FHD प्लस डिस्प्ले है। 6.79 का ये स्क्रीन साइज है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। यूजली अंडर 10K में आपको एक HD प्लस डिस्प्ले मिलती है और शायद ही आपको 90Hz मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको FHD प्लस भी दिया है और 90Hz भी है। अगर मैं क्वालिटी चेक करूँ डिस्प्ले की, तो एक बार YouTube पे देखते हैं। ओह, ये देखो इसी में आप लोग वीडियो देखते हो ना। हर बार का हो गया यार ये, कमेंट में बताना। 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, ठीक है, ब्राइट इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी की बात करूं तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी भाई, कलर्स अच्छे मिल जाते हैं आपको। इसमें जो बेजल्स है, ये साइड बेजल्स अगर आप देखोगे और ऊपर की साइड देखोगे, ये थोड़े से आपको बेजल्स नोटिस होते हैं। चिन साइड में एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा बेजल्स है, लेकिन अगर प्राइस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो कोई कंप्लेंट नहीं है। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर है, 4nm वाला प्रोसेसर है, सुपर पावर एफिशिएंट तो है। अंडर 10K में भाई सच बताओ सॉलिड परफॉर्मेंस वाला फोन बन जाता है। एंड्रॉइड टेस्ट करके देखा, जो स्कोर है 4,44,000 प्लस निकल के आया है। और ये जो एंड्रॉइड स्कोर है ना, एक बजट स्मार्टफोन के लिए एक सॉलिड स्कोर है। इसके जो थ्रॉटल है, ये देखो पूरा ग्रीन ग्राफ है, थ्रॉटल परसेंटेज 93% है, जो एक काफी सही है। आई नो पीरो गेम प्ले का वेट कर रहे हो, ऐसे नहीं। सो सम एक्साइटमेंट, ये हुई ना बात। अब वो जो लाइक बटन है दबा दो। ओके, HD पे हाई सेटिंग्स मिल रहा है और स्मूथ पे अल्ट्रा। इस प्राइस पॉइंट पे स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स मिल रही है, बढ़िया भाई। अगर आप देखते हो स्क्रीन में तो ग्राफिक्स अच्छे हैं भाई। ये देखो, मुझे लगा था थोड़े से लो होंगे बट नहीं। अरे ओए, सबको पेल दूंगा। अरे भाई सच बताओ तो देखो, एक प्राइस को अगर हम देखते तो ग्राफिक्स मुझे सॉलिड लगा यार। 10,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो ग्राफिक्स मिल रहे हैं भाई, बहुत अच्छे मिल रहे हैं। देखो अबे भाई, ओ भाई उछल उछल के मार रहा है ये तो यार। सच बताओ ना, ये जो प्रोसेसर है भाई, मुझे बजट प्राइस के लिए बहुत सॉलिड लगता है भाई। ग्राफिक्स अच्छे हैं, ऐसा कोई लैग वैग नोटिस नहीं हो रहा। और अगर मैं प्राइस को कंसीडर करता हूँ तो प्राइस के हिसाब से जो गेमिंग एक्सपीरियंस है भाई, इसमें बढ़िया देखने को मिला मुझे। इसके बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है। ये वाला जो कैमरा, ये 50 मेगापिक्सल का है, ये मेन कैमरा है। ये वाला डेप्थ कैमरा है, फ्लैश लाइट है भाई, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और एक और चीज भाई, फर्स्ट टाइम आपको पोको के एम सीरीज में शाओमी का AI इमेजिंग ब्रेन देखने को मिल जाता है इसके कैमरे में। एक सेल्फी लेके देखते हैं भाई, सेल्फी में तो अच्छा दिख रहा है यार, एक फोटो लेके देखते हैं सेल्फी। क्या बात है भाई, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से सेल्फी अच्छी लगी यार। कोई ऐसे शार्पनिंग नहीं है, सैचुरेटेड भी नहीं है, एक अच्छा स्किन टोन दिया है। हालांकि जो अगर आप जूम करते हो तो सेल्फी हल्का सा सॉफ्ट कर देता है। और एक तो ये आउटडोर में भी लिया था और आउटडोर में भी देख सकते हो सेल्फी कैसा परफॉर्म करता है भाई। अच्छी सेल्फी आई है मैं कहूंगा, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से सेल्फी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। 8 मेगापिक्सल की, एक बजट फोन है लेकिन उसके हिसाब से भी जो सेल्फी मुझे अच्छी लगी। एक बार शटर स्पीड का टेस्ट करते हैं भाई, ये देखो ठीक है भाई, सही है, सर स्पीड फास्ट है, मतलब लाइक प्रोसेसिंग भी फास्ट कर लेता है। ऑनेस्टली बताओ तो एक बजट फोन है, तो बजट के हिसाब से मैंने कैमरा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब मैंने सिर्फ कुछ फोटोज लिए तो भाई मुझे फोटो सीरियसली पसंद आया। ये देखो, अगर आप जूम करते हो डिटेल्स अच्छी है। ये देखो मेन कैमरे से, ये देखो ब्राइट फोटो ली है, और अगर आप जूम करते हो ये देखो कैप में यहाँ पर हाईलाइट अच्छे से कर लेता है, ये कलर्स अच्छे प्रोड्यूस करता है। हालांकि जो टी शर्ट का कलर है ये एक्चुअली में रेड है, हल्का से इसे पिंक कर दिया है।
एंड कुछ और फोटोज भी लिए हैं इंडोर आउटडोर डे लाइट कंडीशन में लो लाइट कंडीशन में फोटोज देख सकते हो। इन फोटोज को देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के फोटोज लेता है। जनरली अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो भाई कैमरा अच्छा है, अच्छे फोटोज निकालता है। कैमरा फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको टाइम लैप्स है, वीडियो मोड है और वीडियो पर अगर आप जाते हो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है 1080p और ये 50 मेगापिक्सल है। इसमें आपको 7 फिल्म फिल्टर्स भी मिलते हैं। नीचे साइड में ये माइक है, टाइप सी पोर्ट है और ये स्पीकर है। स्पीकर टेस्ट करते हैं एक बार, सिंगल स्पीकर है। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह से बोलना वहां पे आवे ना, झिंगुर सा लड़का उससे प्यार कर। ऐसा मत बोलो यार, दिल से बुरा लगता है यार। साउंड क्वालिटी ठीक है, मतलब सिंगल स्पीकर है। साइड में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये वॉल्यूम बटन है। ऊपर ये आईआर ब्लास्टर है, 3.5 जैक का गड्ढा है। लेफ्ट हैंड साइड में ये सिम स्लॉट है, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है। 5000 mAh बैटरी है, 18 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 22.5 वॉट का चार्जर मिलेगा। सेटिंग्स में अगर हम गए, MIUI वर्जन 14 है, लोअर वर्जन है 14.0.2 है, ये बेस है एंड्रॉइड 13 पे। इस फोन के साथ आपको 2 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, 3 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट। बाकी फोन 5G है और 5G फोन इस फोन का हाईलाइट फीचर भी है। इनफैक्ट इस सबसे अफोर्डेबल 5G फोन है। FM रेडियो सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, हाँ MIUI डायलर है और IP53 भी है। तो ये था एक कंप्लीट पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन। प्राइस की बात करते हैं, हाँ ये आपको अंडर 10,000 रुपीज में देखने को मिलेगा। तो ये एक मोस्ट अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन बन जाएगा। ऑनेस्टली बताओ भाई, अंडर 10K के हिसाब से जो फोन है मुझे बहुत ही सॉलिड लगा। मतलब दो तीन चीजें हैं जो स्टैंड आउट करती है इस प्राइस पॉइंट पे। सबसे पहला भाई, 90Hz FHD+ डिस्प्ले अंडर 10K में जनरली आपको देखने को नहीं मिलता। दूसरा, जो इसकी परफॉर्मेंस है अंडर 10K में सॉलिड किलर प्रोसेसर बन जाता है। एंड तीसरा भाई, 5G अंडर 10K में आपको एक 5G स्मार्टफोन मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं बोलना चाहूंगा भाई, बजट में ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। एक मिनट, कुछ सवाल है नीचे कमेंट करो और मुझे नीचे बताना भाई आपको ये फोन कैसा लगा, आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करके फैला देना। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।